हाय गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने दो कैमरा परचेज किया है, जिसके एक जो 2SC है DJI का, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम पहले वीडियो बना चुके हैं, जो पहले से ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। बट आज हम मेन फोकस करेंगे DJI 3 पे, जो हमें परचेज करने में 1,28,000 कुछ पड़ा है। इसका देख सकते हैं रेंज, ये 4K कैमरा के में आता है। इसका टाइमिंग 51 मिनट का है। एक बैटरी अगर हम उड़ाने के लिए लेते हैं तो 51 मिनट तक लगातार उड़ा सकते हैं, बट ये SC जो है इसका सिर्फ 31 मिनट ही टाइमिंग है, रेंजिंग टाइम। और दोनों का अगर हम टाइम दिखाएं, मतलब रेंज दिखाएं फ्लाई का, तो दोनों 10 किलोमीटर का रेंज ले लेता है, यानी रेंजिंग में दोनों एक ही है। पर इसका बैटरी बैकअप ज़्यादा है और क्वालिटी में इसका ज़्यादा है, और जो वेट है वो वेट 3 का ज़्यादा है, बट 2SC कम वेट में फ्लाई करता है। आप बजट के हिसाब से अगर आप बिगनर्स हैं तो आपके लिए 2SC एक बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये 60,000 के अंडर में ही आ जाता है। बट अगर हम 3 की बात करें तो ये 1,28,000 पड़ता है, जो एक प्रोफेशनल क्रिएटर ज़्यादा यूज़ करना पसंद करेंगे। इसके साथ है ना, ये आपको 3 बैटरी मिलेगी, एक इसमें लगा हुआ है, ठीक है। और साथ में बता दूं कि बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, यहाँ पर देखिए चिप लगता है, ये है, यहाँ से खोल लेनी है, और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ चिप है, और यहाँ से डाटा ले सकते हैं। आप DJI 2 SC 2 का देख चुके थे, बट आज हम बता रहे थे DJI 3 का। उसमें आप ये देख सकते हैं कि ये हमको बैग मिला है, उसमें ये कैमरा जो हम जो ड्रोन है ये ड्रोन मिला है, और इसमें 3 जो ब्लेडेड है वो 3 ब्लेड मिला है, और इसके साथ 3 बैटरियाँ आती हैं, और एक इसका जो रिमोट है DJI का ऑफिशियली रिमोट है, ये आपको परचेज करेंगे तो ये साथ में मिलेगा ही, और ये केबल है। आपको इसको अगर करना है तो आपको फ़ोन में एक परचेज करना पड़ेगा ऐप, जिसको नाम है DJI परचेज कीजिएगा, उससे आप कोई भी ड्रोन उड़ा सकते हैं। वो जो आप क्रोम पर जाइएगा तो उसको DJI ऐप मारिएगा, तो उससे आप कोई भी ड्रोन उड़ा सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, ठीक है। बाकी अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कैमरा है 2SC। अगर आप ब्लॉगिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट कैमरा होगा 2SC। बट अगर आप प्रोफेशनली वीडियो बनाना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, और अगर आपको प्री वेडिंग वेडिंग में वर्क करना है तो आपके लिए 3 अच्छा रहेगा DJI 3 का। अगर आप शुरुआत अभी कर रहे हैं तो सबसे पहले ये लीजिए, इससे है ना आप अनुभव मार्केट का ले लीजिए, सबसे सीख लीजिए। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो ये लीजिए, ठीक है, ताकि आप एक अनुभव ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप प्रोफेशनल काम करना है, बड़ा काम करना है, तो ये लीजिए। दोनों का बजट में काफ़ी अंतर है, अपनी बजट ज़रूर चेक कर लीजिए। आप 3SC के बात कर रहे थे, मतलब DJI 3 का, तो इसमें चारों ओर आपको सेंसर मिलेगा, इसका क्रैशिंग मतलब कम जाता है, आप ज़्यादा इसको सेफली यूज कर सकते हैं, गिरने में थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्सीडेंटली नहीं होता है, बट अगर मतलब कम जाता है, आप ज़्यादा इसको सेफली यूज कर सकते हैं, गिरने में थोड़ा मतलब ज़्यादा एक्सीडेंटली नहीं होता है। बट अगर आप 2SC लेते हैं तो इसका सेंसर 3 टाइप्स ही है, 3 टाइप्स या 2 टाइप्स रहता है, तो ये ज़्यादा क्रैश करने का चांस रहता है। पर आप ये लेते हैं DJI 3 तो ये क्रैश करने का चांसेस कम रहता है। बाकी आप नेक्स्ट वीडियो में इसका जो कनेक्टिविटी है वो आप देख सकते हैं कि फ़ोन से कनेक्ट करके कैसे उड़ाया जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आप वेट कर सकते हैं।